अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरशद महमूद और आप देख रहे हैं UNN TV। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के मारूफ कव्वाल सदाकत हुसैन। सदाकत हुसैन के बारे में मैं आपको ये बताता चलूं कि ये रावलपिंडी के मारूफ कव्वाल उस्ताद बशीर अहमद सुल्तानी के साहबजादे हैं और आज हम जो कवाली आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो अपनी नौयत की एक मुनफरद कवाली होगी, लेकिन पहले सदाकत से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सदाकत, कैसे खैरियत से हैं? आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह, मैं बल्कि रावलपिंडी के से हट के अगर बात करूं तो उन्होंने मुल्क भर में कवाली में अपनी शोहरत का डंका बचाया। जी जी जी। तो आप उनके नक्शे कदम पर आ गए, तो आपको क्यों ख्याल पैदा हुआ कि आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर जा रहे हैं? जी, मैं 7 साल की उम्र में था, तो मुझे 7 साल की उम्र में ना इस कवाली का शौक था। अच्छा। अपने वालिद साहब को देखता था तो मेरे दिल में भी शौक आता था कि यार मैं भी अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलूं, जैसे इन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया पैदा, मैं भी उसी तरह अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलूं, नाम उनका रोशन कर दूं। वहां से मुझे शौक था, मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं भी कवाली करूं। अच्छा, कवाली में यकीनन बहुत से फनकार ऐसे भी आए जिन्होंने अपनी ही कवालियाँ गाई हैं और आजकल एक ट्रेंड ये भी चला है कि आप दूसरों की कवालियों को गाते हैं, तो इस तरह की कोई सूरत हाल आपने अपनी खुद कवालियाँ तैयार की हैं या दूसरों की कवालियाँ गाते हैं? जी, हम दूसरों को भी कवाली पेश करते हैं। अच्छा। अपने भी पढ़ते हैं, जैसे अपने कोई भी शायर हो हमारा मुझसे कर लिखवा के अपने भी पढ़ते हैं, तो जैसे हमारे खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब उस्ताद हमारे हैं, और जैसे हमारे फैसलाबाद के मशहूर कवास्ता शेर अली मेरे लिए, उनके भी कुछ कलाम ऐसे हैं जो हम पेश करते हैं। तो हमारे देखने वालों को आज आप क्या सुना रहे हैं? ये एक नाशिफ पेश कर लूँ, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन देखते हैं और सुनते भी हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, पहले नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हरे नूरे खुदा बलागल लाबे कमाले ही, मौलाए अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बे जमाले ही, हसनैन जाने फातिमा हसनत जमी ओ हिसाले ही, यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लू अलैहि व आलिही। खुदा करे मेरे कानों में ये सदा आए मेरा दादा
मेरा गदा मेरा मंगता।